आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक है? क्या टीम भूपेश बघेल में कोई मनमुटाव है? दरअसल ये सवाल कांग्रेस के दिग्गज नेता और वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव के उस बयान के बाद उठ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश के किसानों को अगर समर्थन मूल्य के अंतर की राशि नहीं मिली तो वह इस्तीफा दे देंगे। मंत्री टीएस सिंहदेव के मुताबिक राहुल गांधी का वादा पूरा नहीं हुआ तो फिर उनके जनप्रतिनिधि बने रहने का कोई मतलब नहीं। हालांकि इसके साथ ही टीएस सिंहदेव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के हालात पूरे देश में सबसे अच्छे, लेकिन बीजेपी नेता इन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि इस्तीफा देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य की पूरी राशि मिलेगी। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर इस्तीफा देने जैसी बात मंत्री टीएस सिंहदेव की जीवा से क्यों निकली? आज ये हम खुद मंत्री टीएस सिंहदेव जी से जानेंगे। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां आखिरकार वो कल आ ही गया जिस कल में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। यहां अब ये साफ हो गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार कल ही होगा और कौन कौन माननीय मंत्री पद की शपथ लेंगे इसकी सूची बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे दिल्ली से अपने साथ लेकर आ गए। सूची में किस किसका नाम है ये तो फिलहाल गोपनीय है, लेकिन उसके पहले सियासी गलियारों में सीएम शिवराज सिंह चौहान के उस बयान की चर्चाएं खूब हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मंथन के बाद अमृत निकलता है, विष तो शिवजी ही पी जाते हैं। आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के मायने क्या है? आखिर किसे अमृत और किसे विष मिलने वाला है? इस पर भी आज विस्तार से बात होगी, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, जहां मंत्री टीएस सिंहदेव के एक बयान पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। तो भूपेश सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूदा समय में सियासत के सिंहदेव हो गए। दरअसल टीएस सिंहदेव ने कहा है कि किसानों को समर्थन मूल्य के अंतर की राशि नहीं मिली तो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने सकारात्मक बातें भी कही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सिर्फ उस लाइन को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेर लिया है जिसमें सिंहदेव ने किसानों से किया वादा पूरा नहीं होने पर इस्तीफा देने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा इस्तीफे की पेशकश को कांग्रेस की नकारा सरकार की चलाचली की बेला का अलार्म बताया है। डॉक्टर रमन सिंह के मुताबिक प्रदेश सरकार की जनता से वादा खिलाफी उसे ताश के पत्तों की तरह बिखेर देगी। बहरहाल मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्या कहा और उस पर विपक्ष ने किस तरह से सरकार को घेरा, चलिए आपको सुनाते हैं। विपक्ष की तरफ से उस पे ये कहना कि राहुल जी के उस कमिटमेंट को जिसको कैबिनेट ने निर्णय लेके लागू कर दिया है, आप एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग ऐसे ही चिंता में हैं, आर्थिक स्थितियां अत्यंत दबावपूर्ण और चिंताजनक हैं, और उसमें जो उनको मिलने वाला है उसके ऊपर भी आप सवाल एक लगा दे रहे हैं, मानसिक दबाव बना दे रहे हैं, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं लोग। मैंने ये कहा उस भावना को व्यक्त करते हुए कि बात रुकनी चाहिए, कैसी रोकी जाए? मैं शब्द के बदले शब्द कहूंगा तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो चलिए मैं जनप्रतिनिधि नहीं रहूंगा, अगर ये हो गया तो आप इस्तीफा देंगे। कभी कभी ये बात आती है कि ज्योतिराज जी ने यहां कुछ किया तो यहां कुछ तो नहीं हो रहा है। मैंने तो पहले ही कहा कि देखिए 100 जन्म में भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहूंगा। सिद्धू ने इस बात को रखा है कि यदि पैसा किसानों को अगस्त में नहीं दिया गया तो उसका उस पद में बने रहना बेकार है, यानी वो अपने पद से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सरकार और सरकार के मंत्रियों की हालत ये हो गई है कि एक न दो अधिकांश मंत्रियों से यदि अकेले में पूछा जाए तो उनकी बेचैनी प्रकट होती है और वो भी इसी मानसिकता के हैं। तो निश्चित रूप से ताश के पत्ते की तरफ बिखरने वाली है सरकार और उसके मंत्रिमंडल। सरकार जितने घोषणा की है उस घोषणा का क्रियान्वयन करने में असफल रही है, तो ये इसका लॉन्ग टर्म में लंबे समय में इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के राज्य की सियासत के सिंहदेव
आज के इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद लाइव जुड़े हैं खुद मंत्री टीएस सिंहदेव जी, जिनसे हम जानेंगे कि उनके बयान का असल मतलब क्या है, भूपेश सरकार की डेढ़ साल में क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं, वहीं जो वादे अधूरे हैं वो कब तक पूरे होंगे, और कोरोना वायरस पर काबू पाने में कांग्रेस सरकार के प्रयास कितने सफल हैं। तो चलिए अब सीधे रूबरू होते हैं मंत्री टीएस सिंहदेव जी से। मंत्री टीएस सिंहदेव जी के साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक कमल श्रीवास्तव जी भी हैं। कमल जी आपका स्वागत है। सिंहदेव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सवाल वही है कि आप की नियत अच्छी थी, आप स्पष्टवादिता के द्योतक हैं, आपने जो कहा सही कहा, बयान लंबा था आपका, लेकिन आपने खुद सुना, अभी रमन सिंह जी को भी सुना, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है भूपेश सरकार के खिलाफ, क्या कहेंगे आप? कोई मुद्दा नहीं है, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वो मुद्दे तलाशती है, और यहां भी जिस मुद्दे को तलाशने की वो कोशिश कर रहे हैं, आप देखें स्थिति क्या है कि रमन सिंह जी एक कहते हैं कि चला चली की बेरा है, दूसरे ट्वीट में कहते हैं कि 3 साल और है इनके पास, तो स्वयं रमन सिंह जी ही अपने आप में सोच में स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जहां तक अगस्त की बात मैंने अभी सुना, आपने जो ऑडियो प्ले किया था कि रमन सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने कहा कि अगस्त में अगर नहीं मिला, मैंने ये नहीं कहा था कि अगस्त में नहीं मिला, मैंने ये कहा कि अगस्त के लिए तो कमिटमेंट ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं कि 20 अगस्त को दूसरा इंस्टॉलमेंट डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में चला जाएगा, और तीसरा किस्त जो आखिरी किस्त होगा वो भी आने वाले समय में मिलेगा, और बतौर ऐसा मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता है कि ये चुनौती टाइप का चैलेंज था कि भाई ठीक है आप हमको कह रहे हो कि हम नहीं कह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा तो मैं ये करता हूं, आप अगर गलत बोल रहे हो तो आप भी करेंगे क्या? तो मेरी ये मंशा स्पष्ट है, मैं तो सरकार के तरफ से बोल रहा हूँ, सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, कि हमारा ये निर्णय है, हमने ये निर्णय लिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि हम तो देंगे ही 2500 रुपया। जी, तो ये आखिर ये जैसे कल आप बेरोजगारी के मुद्दे पे युवक ने, हालांकि बहुत दुखद घटना थी, युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, उसमें आपका ट्वीट आया कि मैं बहुत दुखी हूं और शर्मिंदा भी हूं, ये कल आया, इस बयान को लेकर बीजेपी ने सोचा कि चलिए आपने ही कहा कुछ मुद्दा नहीं है तो उनको एक मुद्दा मिल गया, लेकिन तत्काल दूसरे दिन फिर से कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मुझे जनप्रतिनिधि रहने का कोई हक नहीं है अगर राहुल बाबा के जो वादे हैं उनको पूरे नहीं किए, ये आपको बयान के माध्यम से, ये तो अगर कहीं बैठ के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके कैबिनेट में बैठक में अगर कहते तो शायद ये विपक्ष को मुद्दा नहीं मिलता, ये सार्वजनिक कहने की क्यों जरूरत पड़ी? सार्वजनिक तौर पे भी जो सार्वजनिक गलत बयानी करते हैं उनको जवाब देने की आवश्यकता है, नहीं तो जो पब्लिक स्पेस है वो एक तरफा चले जाता है जी, आप अगर इनको कुछ बोलिए नहीं, कुछ भी बोलते जाएंगे तो हिटलर के समय गोबेल्स की यही तो जिम्मेदारी थी कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो भी सच हो जाता है जी। तो मेरे को लगता है कि कभी कभी ये बातों को रोकना चाहिए, और साफ गोई अगर है, हमारा मन साफ है, हमारी सरकार की मंशा साफ है, हमारे निर्णय अडिग हैं, तो वो बातें लोगों के सामने क्यों नहीं आनी चाहिए कि ये इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना गलत बयानी करके लोगों को और मानसिक पीड़ा में डालने की तो ये बात पहल नहीं हो रही, ये रुकनी चाहिए कि ये पैसा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के कहने से मिलेगा या नहीं मिलेगा का अर्थ नहीं है, हमने निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, हमारे पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी जी के ये निर्णय था, हमको गाइडलाइन थी कि ये काम आपको करने हैं, हम उसको पूरा करने जा रहे हैं, आप तो चावल हमसे नहीं उठा रहे हो, आप हमारे को जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे हो, अन्य बातों में आप देखो कि दूसरे 6 राज्यों में आपने बाहर से आने वाले लोगों के लिए पैसा दे दिया, हमारे लिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो छत्तीसगढ़ में है, इन मुद्दों में से एक मुद्दे में उन्होंने कोई बयान दिया, एक मुद्दे में जो छत्तीसगढ़ के हित का था, और जो छत्तीसगढ़ के हित का काम भूपेश बघेल की अगुवाई में सरकार काम कर रही है उसमें वो मीन मेक निकालना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी को बोलना चाहिए, किसी को रोकना चाहिए, तो क्योंकि मैं तो किसी तैयारी से गया नहीं था, एक पैनलिस्ट के रूप में मुझे एक चैनल में न्यूज नेशन ने बुलाया था, मैं वहां पर गया तो क्या बात आएगी, मेरे को तो ये भी नहीं मालूम था, जब मैंने ये सुना कि इस प्रकार से इसको फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है तो मुझे लगा कि इसको रोकना चाहिए, और ये मैंने उस बात को रोकने का, उसको काटने का, उसको खत्म करने का ये मैंने तरीका अपनाया कि ठीक है आप कह रहे हो कि मैं गलत बोल रहा हूं, हमारी सरकार गलत बोल रही है, तो हम ऐसा करेंगे, और आप अगर गलत बोल रहे हो तो जी, एक कहावत है कि
आप बच्चे के बारे में जो आपने कहा जी, कहावत है एक कि अगर जैसे आपने कहा, आपने तो सही कहा, लेकिन अगर वो जैसे किसी ने कहा कि चल गई और दूसरे मुंह में पहुंची और मोहल्ले से दूसरे तीसरे मोहल्ले पर चलते चलते ये बात हो जाती गोली चल गई, पता चला गोली नहीं चल रही, खोटी चवन्नी चल गई, तो ये आपने जो भी कहा, तो अभी रमन सिंह जी की आपने ऑडियो सुना, उनका ये कहना है कि अकेले सिंहदेव जी नहीं, बहुत सारे मंत्री अंदर अंदर विचलित हो रहे हैं और चलाचली की बेला आ रही है, इसको इस रूप में ले लिया उन्होंने। अब ये तो उनके विश्लेषण का मामला है, ना जाने किससे उन्होंने बात की, ये तो वही बता पाएंगे। देखिए ये राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास है, रमन सिंह जी पुराने राजनीतिक सहभागी हैं, अपने पार्टी के लिए वो सालों से काम कर रहे हैं, और 14 विधायक होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ में क्या और हो सकता है जी। किसी प्रकार से माहौल बनाइए, किसी प्रकार से किसी इशू में अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत होने के मौके बनाइए, उसके अलावा वाकई में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ज्यादा कुछ कहने को नहीं है जी। जी बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो तो ये भी सोचने लगे हैं, सिंधिया जी भी राजा महाराजा की पृष्ठभूमि से हैं, आप भी राजा महाराजा की पृष्ठभूमि से हैं, तो अकेले छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब जगह ये बात उठने लगी है कि छत्तीसगढ़ में भी एक महाराजा नाखुश हो गए हैं, अब गिरने वाली है सरकार जी। मैं ऐसे राजा महाराजाओं के परिवार का उत्तराधिकारी हूं जिन्होंने 1930 के दशक में त्रिपुरी कांग्रेस में जब हाथियों से रसद भेजे थे, करीब 56 हाथियों में रसद गई थी, तो अंग्रेजों ने राज को लेने की कार्रवाई चालू की थी, और उसके बाद भी हम लोग कांग्रेस के साथ बने रहे। मैं उस परिवार का उत्तराधिकारी हूं जिस परिवार के राजपाट को विलीन किया गया भारत राज्य में, डोमिनियन ऑफ इंडिया में, बाद में हमारा गणराज्य बना, तो हमारा राजपाट गया फिर हम कांग्रेस के साथ थे, जमीनें हमारी सीलिंग में गई तो हम कांग्रेस के साथ रहे, हमारा प्रिवी पर्स और प्रिविलेजेस गए तो हम कांग्रेस के साथ रहे, इंदिरा जी के समय में वो भी हुआ, जिस काम को हम लोग करते थे, तेंदुपत्ता का काम मैं करता था यहाँ कॉलेज में, हमीदिया कॉलेज में एमए करने के बाद मैं घर गया, तो अर्जुन सिंह जी ने उसको भी कॉपरेटिव सेक्टर में लिया। हर जगह अगर आप देखिएगा तो नीतिगत अगर आप बात देखेंगे तो एक अलग स्थिति देखते हैं। आज तक कभी भी हमारा परिवार जिसका मैं एक सदस्य हूं, उत्तराधिकारी हूं, कांग्रेस से अपने वफादारी या समर्पण से या जुड़ाव से डिगा है, एक कदम आधा कदम भी डिगते हुए दिखा है कहीं? कोई भी बता दे ज्योतिरादित्य जी क्या किए क्या नहीं किए वो जाने, मेरे हिसाब से एकदम गलत किए। हम लोगों का परिवार हर परिस्थिति में कांग्रेस के साथ रहा, और उसका कारण रहा कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की जो लीडरशिप जिस आइडियोलॉजी को लेके आम लोगों के लिए काम करने की मंशा से चलती है, हम लोग उससे जुड़े रहे हैं और अडिग भाव से जुड़े रहे हैं, और उसमें लेश मात्र भी अंतर नहीं आया है। तो हम लोगों का काम अगर प्रजातंत्र में भागीदार बनने का है तो इसलिए है कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, और मेरे लिए, मेरे सोच में इस देश को एक रखने के लिए, आम लोगों के लिए मदद करने के लिए, सबसे ज्यादा जरूरतमंद के लिए पहले सोचने के लिए जो विचारधारा कांग्रेस पार्टी में है, मुझे दूसरी पार्टी में नहीं दिखती। जितना संतुलन कांग्रेस पार्टी में विचारधारा में मुझे दिखता है, मुझे किसी दूसरी पार्टी में नहीं दिखता। और ये आंख बंद करके किया हुआ हमारा साथ कांग्रेस के साथ नहीं है, आंख खोल के हर परिस्थिति में जो निर्णय जनहित में हमको दिखता है, वो कारण है कि हमारा अटूट संबंध कांग्रेस के साथ है, और ये मैं तो चाहूंगा कि पीढ़ियों तक रहे। मैंने तो कई बार कहा कि मेरे अगर 100 जन्म होंगे तो मैं कांग्रेस के साथ ही रहूंगा, क्योंकि मेरी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कतई मेल नहीं है। कोई बंदूक तलवार उठा के लड़ने की बात नहीं है, छोटी सी बात है, बुनियादी सी बात है कि मेरी उनके मूल विचारधारा से मेरी विचारधारा नहीं मिलती। तो ऐसे पार्टी से जिसके साथ मेरी विचारधारा नहीं मिलती, उससे साथ जाने का कभी प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, ठीक है, आप अगर कोरोना का संकट है, आर्थिक संकट है, आपने खुद ही कहा कि छत्तीसगढ़ में चूंकि जीएसटी का पैसा नहीं दिया, 6 राज्यों में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, 6 राज्यों में तो उन्होंने स्कीम दे दी लेकिन छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया, इन परिस्थितियों में अगर आर्थिक संकट आता है और आर्थिक संकट के कारण वो दूसरी किस्त
नहीं दे पाते हैं बोनस का किसान को, किसानों को धान का, ऐसी स्थिति में आप बीजेपी में न जाके अगर आपने इस्तीफा दे दिया, घर में भी बैठ गए, तो इससे भी तो कांग्रेस का भारी नुकसान होना है। अगर मैंने ये बयान दिया था तो उसको भी आंख खोल के दिया था। हम लोग अगर कैबिनेट में निर्णय लेते हैं तो ये सोच के और ये जान के निर्णय लेते हैं कि इन आर्थिक तंगियों की स्थिति में भी कितना आमदनी है, कितना पैसा है, कितना हमको खर्चा करना है, कितना तनख्वाह में देना है, कितना बिजली बिल में देना है, कितना किस चीज में देना है, और उसके बाद हमारे पास कितना पैसा रहेगा। ये जोड़ घटाव करके कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में ऐसे निर्णय होते हैं। ये घर बैठ के मेरा निर्णय नहीं है, किसी दूसरे का निर्णय नहीं है, ये गंभीरतम जो इकाई होती है कैबिनेट, उसमें सारी बातों का समावेश करके उसका सारांश निकाल के तब निर्णय लिया जाता है कि हाँ हम ये काम को करेंगे। उस कैबिनेट में ये तो नहीं कहा कि सारे काम कर देंगे, और बहुत सारे काम है, उसका तो निर्णय नहीं लिया उन्होंने। तो उस कैबिनेट में जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, उस कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि 20 अगस्त को हम दूसरा किस्त देंगे। तो ये अमिट लकीर है जी। ये अमिट लकीर है, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं आ सकता, क्योंकि जोड़ घटाव करके जान के कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, कोरोना के समय आमदनी कितनी है, उस समय आमदनी कितनी, और एक जानकारी आपको दे दूं कि पिछले महीने से ज्यादा जून महीने में आमदनी जीएसटी की छत्तीसगढ़ में आई है, पिछले साल के जून महीने से केवल 3% कम जी। ये बात और है कि पिछले साल की तिमाही से 36% कम आमदनी आई है, लेकिन पहले दो महीने में जो आमदनी थी उससे तुलना में तीसरे महीने में, जून के महीने में हमारी आमदनी बढ़ी भी है। लेकिन उस बढ़े को ना भी देखते हुए, कम आमदनी आएगी तब भी कितनी आमदनी होगी उसको देखते हुए कैबिनेट में निर्णय हुआ है, और उसका प्रश्न ही नहीं उठता कि इधर से उधर होगा। सिद्धू साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कमल श्रीवास्तव जी हैं जो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। श्रीवास्तव जी आपका सवाल। सिंधे जी नमस्कार। मैं एक्चुअली एक बयान एक बयान मैंने आपका एक और पढ़ा जो त्रिपाठी जी ने कहा, वो तो किसानों के बकाया की बात थी डिफरेंस का, लेकिन एक बयान आपने आज शिक्षा कर्मी को चयन के बारे में भी मैंने पेपर में पढ़ा, जिसमें आपने कहा कि उनका बहुत अनड्यू डिले हो रहा है उनके अपॉइंटमेंट में आफ्टर सिलेक्शन। तो आपने कहा है कि इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा, मुझे इसकी बहुत पीड़ा है, दुख व्यक्त किया है आपने। एक वरिष्ठ मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार का और सरकार को नियुक्त करना है और वो नहीं हो पा रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार की ही कमी है एक तरह से माना जाए। आपका क्या कहना है इसमें जी? बैकग्राउंड क्या था जी, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अगर किसी पेपर ने छापा है कि ये नहीं हो रहा है, इस प्रकार का बयान नहीं था, एक संवेदना मैंने व्यक्त की थी, और कारण ये था कि आज हम लोग कोई भी ट्वीट करते हैं जी। ये लड़कों ने एक अपना तरीका अपनाया है, स्वतंत्र देश है, मीडिया में स्वतंत्रता है अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, उसका इंटरप्रेट हम बात करेंगे एक ही। मैंने ट्वीट किया मान लीजिए संदर्भ ए का, नहीं इंटरप्रिटेशन नहीं, बात हो रही है पूरब की, वो उसके साथ पश्चिम जोड़ देंगे कि हमारा क्या होगा, फिर बात होगी उत्तर की, उसके साथ भी वो जोड़ दे रहे हैं कि हमारा क्या होगा, फिर बात हो रही है दक्षिण की, उसके साथ भी वो जोड़ दे रहे हैं लेकिन हमारा क्या होगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी उन्होंने अपना रखी है पिछले कुछ महीनों से कि हम लोग कोई भी अगर अपने विचार को व्यक्त करते हैं तो उनका रिस्पॉन्स उस परिवेश में नहीं होता, वो हर चीज के पीछे एक ही लाइन जोड़ते हैं कि हमारा क्या होगा। आपने बात की देश की अर्थव्यवस्था की, वो कहेंगे कि हमारा क्या हुआ। आपने बात की कोरोना की, वो कहेंगे कि हमारा क्या हुआ। आपने बात की चीन से विवाद की, तो वो कहेंगे कि हमारा क्या होगा। तो इस बैकग्राउंड में, और ये हफ्तों से चल रहा है, आज भी मैंने ट्वीट अभी खोला, आपके पास आके बैठा हूं उसके 15 मिनट पहले, उसमें संदर्भ एकदम दूसरा था, लेकिन पहले 4-5 ट्वीट मैंने देखे कि हमारा क्या होगा। तो ये एक तरीके से कुछ लोगों ने ये तरीका अपना रखा है, और उसमें एक दिन एक ट्वीट आया कि बाबा आप चुप क्यों हैं, आप कुछ क्यों नहीं कहते। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं छू गया कि लोगों को ये लग रहा है कि इतने दिन इतने सारे ट्वीट्स आए, हम लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन अगर किसी नागरिक ने ये सवाल कह दिया कि आप चुप क्यों हैं, तो मैंने उस संदर्भ में इस बात को कहा था कि मुझे दुख है कि ये अभी नहीं हो पाया है,
और सरकार कर रही है, हम लोग कमिटेड हैं आपके लिए करने के लिए, टाइम फ्रेम नहीं दिया लेकिन हम कमिटेड हैं करने के लिए। तो ये इसका बैकग्राउंड है, इसके ना आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है। उसका रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लगता है जैसे आप असंतुष्ट हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन पेपर में आज दिया है। जी वैसा जी ये नहीं आना चाहिए, हाँ, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो परिवेश है एकदम स्पष्ट है। आज भी हम लोगों के लिए या तो ट्विटर छोड़ने की नौबत आ जाएगी या ऐसे विचारों को पढ़ के उनके साथ हम लोग को काम करने की स्थिति बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये पचासों ट्वीट ऐसे आते हैं कि कोई भी बात होती है उसमें ये बच्चों ने एक तरीका अपना लिया है कि वो कोई भी संदर्भ की बात है लेकिन वो जोड़ दे रहे हैं, टैग कर दे रहे हैं कि हमारा क्या होगा। एक बात तो यहाँ परिस्थिति में काम करना पड़ रहा है हमको। सिंगले साहब एक बात यहाँ उठ रही है जो हमारे वहाँ कुछ लोगों से बात भी हुई, ये कहना है कि जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी घोषणा पत्र में है ये आप जानते होंगे, तो क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और दिया जाएगा तो कब तक इस पे अमल हो पाएगा? बेरोजगारी भत्ता 10 लाख युवाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने की बात घोषणा पत्र में उल्लेख है और ये राशि 300 करोड़ रुपया प्रति महीना 250 करोड़ रुपया प्रति महीना और साल का 3,000 करोड़ रुपया होता है। तो सीधा सीधा यही है कि जिस परिस्थिति में 3,000 करोड़ रुपए साल में खर्च करने की स्थिति आएगी, आप देखिएगा कि जल्द से जल्द उस हिसाब से निर्णय कैबिनेट जरूर करेगी, ये बात आती है। लेकिन पहले कौन सा करना, 5,000 करोड़ एक काम के लिए बोला है, 5,000 करोड़ दूसरे काम के लिए लगेगा, इतने हजार करोड़ तीसरे काम के लिए लगेंगे और काम के लिए कहा है, तो प्रायोरिटी जिस चीज को देनी है उस प्रायोरिटी को देके सरकार आगे बढ़ती जा रही है। और पहला प्रायोरिटी था किसानों का कर्जा माफ, दूसरा प्रायोरिटी था 2,500 रुपए धान की खरीदी, तीसरी प्रायोरिटी थी बिजली बिल आधा, तो 1,000 करोड़ रुपए साल के लग रहे हैं बिजली बिल आधे की भरपाई करने के लिए सरकार को, 5,000 करोड़ रुपए लगेंगे 2,500 रुपए तक धान के भाव को किसान न्याय योजना के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए। तो ये जोड़ के इन परिस्थितियों को रखा गया है और बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, हमारे पेंशन के कमिटमेंट्स हैं, कर्मचारी अधिकारियों के लिए कुछ कमिटमेंट्स हैं, अलग अलग वर्ग के 34 लोग हैं उस घोषणा पत्र में, 34 या 36 संवर्ग हैं जिनके लिए है। तो परिस्थिति के हिसाब से इसको करने की मंशा सरकार लेके चल रही है। एक बात ये जान के कि जो काम नहीं होगा उसके लिए जवाब देना होगा। जी जी एक बात और घोषणा पत्र में शराबबंदी को लेकर दो तरह की बातें आ रही हैं, एक तो आदिवासी जो क्षेत्र है वहां पे सरकार ही उनको खुद शराब बनाने की अनुमति देती है क्योंकि वो उनके परंपरा में है, दूसरा शराबबंदी आप बंद करेंगे तो जिस तरह से आज बिहार की स्थिति हो रही है दूसरे प्रांतों से अवैध शराब ब्लैक में आ रही है, गुजरात में हो रही है, जहां भी है, तो इसको कैसे रोक पाएंगे क्योंकि आपके पास इतना अमला नहीं है कि आप शराब बंदी करके दूसरे स्टेटों से, कई राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़, कैसे ब्लैक रोक पाएंगे? और दूसरा आदिवासी जिनको आप अनुमति देते हैं शराब बनाने की, ये इसके बावजूद भी क्या आप शराब बंदी वाली घोषणा पूरी करेंगे? ये तो सरकार को निर्णय लेना होगा और आज ही एक मेरे ख्याल से आदेश भी सरकार का निकला है कि सरकार की नीतियों को लेके आधिकारिक बयान के लिए 2 मंत्रियों को अधिकृत किया गया है, तो वो काम उनके लिए छोड़ देते हैं। लेकिन तब तक यहाँ जो आपने सवाल पूछा, ये पहले से ये नीति थी घोषणा पत्र में, शराबबंदी की जो बात आई है आदिवासी समाज की उनकी परंपराओं और रीतियों के अनुरूप जो सेवन वो करते हैं महुआ के शराब का या हड़िया के शराब का, उसमें 5 लीटर तक की व्यवस्था की छूट पहले से भी थी और उसको हमने क्लियरली बरकरार रखा था, वो घोषणा पत्र का हिस्सा है। और दूसरा जो हिस्सा था उस पर बात रखी थी शराबबंदी की, उसको लेके कैबिनेट में जब बात गई है तो कमिटी बनी है और उस कमिटी के सदस्य के रूप में विपक्ष को साथियों को जब बुलाया जा रहा है वो साथ नहीं ले रहे, सरकार उस बाबत निर्णय लेगी। और आज क्योंकि अब ये बयान एक आदेश सरकार की तरफ से निकला है तो नीतिगत मामले के लिए मैं परहेज करता हूँ, मैं अपने आप को रोकूंगा कि वो जो हमारे 2 मंत्री साथी हैं वो उसका जवाब देंगे। मतलब ये सवाल का जवाब मोहम्मद अकबर जी और अरविंद चौबे जी से ही लेना पड़ेगा। खैर ये
हमारा समय आपके पास भी कम है, मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ बीच में आ गया था कोरोना मुक्त, बड़ी वाह वाह भी हो गई थी कोरोना मुक्त हो गया छत्तीसगढ़, लेकिन अब उसी तरह से विस्फोटक हो चुका है कोरोना की महामारी में छत्तीसगढ़ में जो विस्फोटक स्थिति हो चुकी है, कि आप स्वास्थ्य मंत्री भी क्या लगता है ये और ज्यादा बढ़ेगा, कैसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो चुकी है, क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं विपक्ष आरोप लगा रहा कि वहां सांप काटने से उनके वहां व्यवस्था ऐसी है कि सांप काटने से मृत्यु हो रही, क्वारंटाइन सेंटरों में लोग फांसी लगा रहे हैं, आखिर ये क्यों इस तरह से, क्या सही में व्यवस्था नहीं है अच्छी वहां क्वारंटाइन सेंटरों में? जून महीने की शुरुआत में जब मजदूर आए थे, बड़ी संख्या में आए थे, उस समय कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख हुआ था और उसके बाद मैंने ये उल्लेख नहीं सुना। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 4-6 घटनाएं हुई थी, उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नहीं हुई। दूसरा, आपने कहा कि कोरोना का विस्फोट हुआ है, तो विस्फोट नहीं हुआ है, जिस चीज का अनुमान था वही हो रहा है कि बाहर से आने वाले जो लोग रहेंगे ये संक्रमित होकर अब हमारे पास आएंगे और बड़ी संख्या में आएंगे और उनकी संख्या पॉजिटिव में जैसे जांच बढ़ेगी उनकी संख्या आएगी, उनके मृत्यु की भी संभावनाएं थी और दुर्भाग्य से 14 मृत्यु छत्तीसगढ़ में अभी तक हो चुकी है, जिसमें 8 कोमॉर्बिडिटी वाले हैं और 4 अकेले कोरोना के संक्रमण के चलते मृत्यु हुई है। आने वाले समय के लिए भी पूर्व में हम लोगों ने ये कहा था और करीब 1.5-2 महीने से मैंने इस बात को कहा था कि मई आखिरी और जून में स्पाइक आएगा, जून के पहले 2 हफ्ता में मैं अनुमान, ये विशेषज्ञों का अनुमान है, ये कोई मेरे पास कोई ऐसी अधिकृत जानकारी या रिसर्च मेरा नहीं है, हम लोग उनकी बात को सुनते हैं समझते हैं, 20 लोग अलग राय देते हैं उसमें से सार निकालते हैं और उसका सार ये था कि स्पाइक आएगा। उन्हीं विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि नवंबर दिसंबर में एक और स्पाइक आएगा, तो कोरोना मुक्त वाली जो बात है मैं समझता हूँ कि ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है कि देश कोरोना मुक्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना हमारे बीच में है और रहेगा, इसके साथ जीना हमको सीखना होगा, एहतियात बरतना हमको होगा ताकि संख्या कम से कम हो जिनकी मृत्यु होगी। तो ये सच्चाई है, संख्या छत्तीसगढ़ में बाहर के लोगों के आने के पहले 59 थी, आज 2800 पहुंच गई होगी और चिंता हमारी संक्रमित लोगों को जिनको हम पहचान सकते हैं उनकी तुलनात्मक कम हमको चिंता है। चिंता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होना चाहिए, लोगों में जो हम नहीं जानते हैं कि बाहर से आए हैं संक्रमण लेके आ सकते हैं, मेरे से आपको हो गया, हमको पता चल जाएगा कि बाबा को हुआ तो उसके बाद आपको, बाबा से मिले तो आपको हो गया क्योंकि आपको कहाँ से हुआ, लेकिन जिस दिन बगल के साथी हैं जो न मेरे से मिले न आपसे मिले और उनको कोरोना के लक्षण आ गए और वो पता नहीं वो कहाँ गए, बाहर नहीं गए, कैसे उनको हो गया, और बड़ी मात्रा में जब ये होगा तो वो स्थिति हमारी चिंता की है, वो स्टेज अभी छत्तीसगढ़ में भी नहीं आया है, देश में भी वो स्टेज नहीं आया है, कुछ शहरों में दिखता है दिल्ली और मुंबई में, बाकी जगह नहीं आया। तो ये स्टेज और बढ़ेगी क्या? अगर हमने एहतियात नहीं बरते और कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो फिर वैसी स्थिति चिंताजनक, वो बड़ी चिंता की स्थिति हो जाएगी, लेकिन अगर हमने एहतियात बरते, ये मास्क पहनने की बात है, हाथ सैनिटाइज करने की बात है, शारीरिक दूरी रखने की बात है, ये 3 मूल मंत्र हैं, कि ये 3 मूल मंत्र का अगर हमने पालन किया तो इसके फैलाव को हम बहुत हद तक बचा सकते हैं। बाकी बाहर का खाना नहीं खाना और बातें आती हैं उन पे ध्यान देना, पहले लक्षण आपको दिखें तो आप जांच करा लीजिए, इंतजार मत करिए कि कोरोना का भार, इसको लोड फैक्टर कहते हैं कोरोना का लोड, तो ये लोड फैक्टर ना बढ़ जाए, क्योंकि संक्रमण 5-10 किलो संक्रमण आपको हुआ, फिर 10 किलो और हो गया, फिर 10 किलो और हो गया, तो 1 क्विंटल संक्रमण होने तक नहीं रुकना है, पहले ही 10 किलो के लक्षण आए तो जांच कराने के लिए आगे आ जाइए और जांच करा लीजिए, तो आप भी जल्दी संक्रमण के दायरे से हट जाएंगे, अस्पतालों में देखरेख के केंद्रों में आप आ जाएंगे और दूसरों को भी आप देने से पात्र बनने से आप रुक जाएंगे। तो ये हम लोग सबको, एक एक नागरिक को, हम लोगों को करना होगा। तो चलते चलते एक बड़ा छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल, कि कल एक ट्वीट आया, आज एक बयान आया, कल भी कुछ उम्मीद रखें, कुछ ऐसी एकाध बयान आएंगे जिससे राजनीति में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल आए? जी।
मैंने तो नहीं समझा था, सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो उस बच्चे के संदर्भ में मैंने कुछ कहा था, लेकिन वो बात कहीं की कहीं पहुंच गई। कल टीवी चैनल में धान के 2500 की बात आई, मुझे तो ये लगता था कि ये बात ये आएगा कि हाँ छत्तीसगढ़ की सरकार दृढ़ संकल्पित है, वो तो देगी। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही गलत बयानबाजी कर रहे थे, ये उस रूप में नहीं आके दूसरे रूप में आ गया। तो अब कल मैं क्या कहूंगा, थोड़ा सोच समझ के कहूंगा। हम लोगों को फिर से अच्छी चटपटी खबर मिल जाएगी कल की नहीं? मेरे में शायद ये कमी है कि मन से मैं बात बोल देता हूँ, जो बात आती है बोल देता हूँ, लेकिन इतनी गर्माहट आ जाएगी मैंने कभी सपने में भी अंदाज नहीं लगाया था, इसलिए सोच समझ के बोलने की बात मैं कह रहा हूँ, वरना मेरे मन में जैसा रहता है मैं अमूमन उस बात को रखता हूँ। हालांकि वो गर्मी सब खत्म हो गई है, जैसे ही आपका बयान आया है हमारे स्वराज एक्सप्रेस में इस बयान के, हम 100 जन्म तक कांग्रेस में ही रहेंगे। और भूपेश सरकार ने जो काम किया है वो तो पूरे देश के राज्यों में सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है, 2 बयान ने सारी गर्माहट खत्म कर दी आपकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। मुझे मालूम है आपने कहीं और भी समय दे रखा है, इस कारण मैं इच्छा तो नहीं हो रही आपसे आपको छोड़ने की, लेकिन छोड़ने की मजबूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंहदेव साहब हमारे साथ आप जुड़े। तो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव का सीधे और सरल शब्दों में कहना है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे, और विपक्ष का बार बार ये कहना कि वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उसे पहले ये समझना होगा कि सरकार 5 साल के लिए सत्ता में है और इस अवधि में कोई वादा अधूरा नहीं रहेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई वादा पूरा नहीं हुआ, इसके साथ ही अगर सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी, तो उनके जनप्रतिनिधि रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वादे पूरे हुए तो क्या विपक्ष के नेता इस्तीफा देंगे, जिस पर भाजपा ही मौन है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन किसे अमृत और किसे विष मिलेगा, चलिए इस पर बात होगी आज के दूसरे मुद्दे विस्तार पर। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के सामने जो धुंध थी वो अब छट गई है और ये साफ हो गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 2 जुलाई यानी कल ही होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक बयान में इसकी पुष्टि की है। इधर आनंदी बेन पटेल ने मध्य प्रदेश के प्रभारी राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है और वे कल माननीयों को शपथ दिलाएंगे, लेकिन सवाल वही है कि मंत्री पद की शपथ कौन कौन लेगा, कौन से नए चेहरे टीम शिवराज का हिस्सा होंगे, सिंधिया समर्थक कितने नेता मंत्री बनेंगे और मंत्रिमंडल में कल कितने बीजेपी नेता एडजस्ट हो पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि विस्तार से पहले सीएम शिवराज ने आखिर विष पीने वाली बात क्यों कही, मुख्यमंत्री के इस बयान की असल मायने क्या है, चलिए इस पर चर्चा करना शुरू करें। उससे पहले देख लेते हैं छोटी सी रिपोर्ट। कल मंत्रिमंडल शपथ लेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, ये वो बयान है जिसके बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की बेचैनी पर विराम लगा और आखिरकार वो कल आ ही गया जिसका लंबे समय से इंतजार था। 2 जुलाई से टीम शुभ